अब मोटर का प्रेशर चेक करेंगे तो पीवीसी का सीट रख दिया है ताकि मोटर ना भीगे, पाइप लगा दिया है और ये देखिए यहाँ पर प्रेशर रुक नहीं रहा है, बहुत ही शानदार प्रेशर आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, आज करेंगे टैक्समो DMS2 जाम मोटर की रिपेयरिंग। तो यहाँ पर देखिए ये बैक कवर हमने खोला हुआ है, फैन कवर, बाकी मोटर कभी तो ये बिल्कुल फ्री हो जाती है, कभी बिल्कुल जाम हो जाती है। तो इस कंडीशन में है मोटर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम हेड को ही खोल कर चेक करेंगे। तो फटाफट से खोल लेते हैं हेड के बोल्ट। तो यहाँ पर 5 बोल्ट हैं, ये 13 नंबर के स्पेनर से इनको खोल लेते हैं। दोस्तों ज़्यादातर यह है मोटर हेड में से ही जाम होती है, 2-3 दिन नहीं चलाने पर भी जाम हो जाती है। तो बाकी इसमें तो कुछ ज़्यादा ही झमेला है, और तेरी इसका तो एम्पलर ही डैमेज है। ये देखिए एम्पलर का पीस टूटा हुआ है, तो एम्पलर ही डैमेज हो गया है। ये देखिए यहाँ से साइड का पीस टूट गया है एम्पलर का, और इसने यहाँ से देखिए प्लेट को कट कर दिया है साइड से, यहाँ पर खांचा बना दिया है। काफ़ी दिनों से टूटा हुआ चल रहा था ये, तो बाकी फंस गया है, इसलिए यहाँ पर कस्टमर लेकर आया है। आज तक मोटर का ऐसा फॉल्ट देखा नहीं है, बाकी ये एम्पलर तो हमें बदलना ही पड़ेगा। एम्पलर हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, तो यहाँ पर निकालेंगे। इसके लिए यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर डाल दिया ताकि ये घूमे नहीं, और स्पेनर से इसको खोल लेंगे। इस मोटर की रिपेयरिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है एम्पलर को निकालना, तो एम्पलर हम बहुत ही आसानी से निकालने वाले हैं। तो 3 लेग के पूलर का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए एम्पलर के नीचे वाले प्लेट के ऊपर हमने पूलर को फिक्स किया है, स्पेनर से इसको घुमाएंगे काफ़ी आसानी से। ये देखिए यहाँ पर प्लेट सहित एम्पलर निकल रहा है, इससे क्या है कि एम्पलर बैंड भी नहीं होता है। तो ये देखिए एम्पलर बिना ठोके पीटे बहुत ही आराम से बाहर निकल गया है। बाकी हमको तो ये एम्पलर रिप्लेस करना पड़ेगा, ये साइड से डैमेज है, रखते हैं इसको। अब यहाँ पर हेड की दोनों जो प्लेटें हैं ये कास्टिंग वाली, इसको लेंगे और इनको यहाँ पर, दोस्तों ये देखिए कागज़ की जो पैकिंग चिपकी हुई है इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा। बीच में से यहाँ से भी साफ़ कर देते हैं, थोड़ा जंग वगैरह है। इसके बाद में ये वाला जो प्लेट है इसको भी यहाँ पर ऊपर नीचे से दोनों तरफ से साफ़ करेंगे। तो ये पूरा जो पैकिंग है अच्छे से छुड़ा लेना है बिल्कुल, ताकि जो नया पैकिंग है अच्छे से चिपक जाएगा। और इधर से भी यहाँ पर चिपका हुआ है पैकिंग, तो ये देखिए पूरा अच्छे से क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये प्लेट क्लीन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हेड के ऊपर भी थोड़ा सा पैकिंग चिपका हुआ है, तो यहाँ पर इसको भी पूरा क्लीन कर लेंगे, हेड के अंदर से कचरा रस्ट वगैरह निकाल देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये दो पैकिंग है और एक ये एम्पलर है नया हमारा 19 mm बोर का, इसको हम रिप्लेस करेंगे। दोनों पैकिंग हमने पहले ही बना ली थी क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पर ये वाली पैकिंग सेट कर लेते हैं। तो पैकिंग को ग्रीस लगा लेंगे, इससे अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ध्यान रखना है आपको, दो पीस पर हमारी कटिंग आएगी दो साइड में। तो ये देखिए यहाँ पर पैकिंग हमारी सेट हो गई है, इस प्लेट को हम इधर रखते हैं, ये वाला पैकिंग भी लगाकर सेट कर ही लेते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर ग्रीस का अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ग्रीस लग गया है और इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं, बाद में नहीं लगाना पड़ेगा, अब भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैकिंग भी हमारा लगकर सेट हो गया है। अब इस प्लेट को लगाएंगे, नीचे पॉइंट है उसको मैच करके प्लेट को फिक्स कर देंगे यहाँ पर। यह अब एम्पलर लगाएंगे, तो एम्पलर का ये उभरा हुआ हिस्सा यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर जो चाबी को मैच करके यहाँ पर बुश लगाएंगे और यहाँ पर इसको ठोक लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एम्पलर भी डैमेज नहीं होगा और ये हमारा पूरा एम्पलर फिक्स हो चुका है। इसके बाद में ये बोल्ट लगाएंगे, इसके बाद में एम्पलर थोड़ा सा नीचे और जाएगा, तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर डाल लेंगे और इसको पूरा टाइट कर लेंगे। इस तरीके से ये घूमेगा भी नहीं, पूरा फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर का ये प्लेट लगा देंगे, इस प्लेट को कैसे भी लगा सकते हैं आप, घुमाकर भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सीधा लगाओगे तो थोड़ा सा देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। तो इसके बोल्ट बराबर से 5 के 5 बोल्ट 1 by 1 टाइट करना है, कभी भी एक बोल्ट को पूरा टाइट नहीं करना, आगे से 2 चोट मारेंगे ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा मोटर। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, फर्स्ट क्लास घूम रहा है। तो ये फैन का कवर लगा देते हैं और इसके तीनों स्क्रू यहाँ पर फटाफट से टाइट कर लेते हैं। अब मोटर को चलाकर चेक करेंगे। तो ये हमारा मोटर का मेन लीड, मोटर को इधर घुमा लेते हैं, यहाँ से पानी डालना पड़ेगा एक बार इसमें एक डब्बा। अब यहाँ पर प्लग लगा दिया है, मोटर को चालू कर दिया है हमने, और ये पानी और डालेंगे जब तक थोड़ा सा पानी अब आने लग गया है, तो अब नहीं डालेंगे। यहाँ पर ये PVC का सीट रख लेंगे ताकि मोटर के अंदर पानी ना जाए, ये पाइप लगा दिया है। अब यहाँ पर बाल्टी के अंदर चेक करेंगे कितनी स्पीड से पानी खींचती है मोटर, बहुत स्पीड से खींचा है इसने पानी, देखिए हमने पाइप हटा दिया है, बाकी प्रेशर काफ़ी शानदार आ रहा है। ऑफ करते हैं मोटर को। तो दोस्तों मोटर का प्रेशर बहुत ही शानदार आ रहा है और इसका एम्पलर है, जो एम्पलर भी देखिए यहाँ पर, मैं आपको एम्पलर की हालत दिखाता हूँ, बहुत ही बुरी तरीके से एम्पलर है जो डैमेज हो चुका है। मोटर का एम्पलर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्लेस कर दिया है, मोटर का प्रेशर बहुत ही शानदार आ रहा है, रोकने पर भी नहीं रुक रहा है। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।